69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के जो हाई कोर्ट के डबल बेंच का फैसला आया उसको लागू करने के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी है जो आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं वो तत्काल सूची लागू करने की मांग को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे महिला वर्ग के अभ्यर्थी है, कुछ लोगों को गिरफ्तारी करके लेके गया है। लगातार आंदोलन चल रहा है, लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, कोर्ट के आदेश को लागू करने पालन करने की मांग की जा रही है। आप लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सीएम ने तो कहा है कि इसको लागू किया जाए किसी के साथ। सर 6 साल से सीएम बोल रहे हैं, 6 साल से इसका क्या भरोसा लिया जाए? इसके पहले भी हम लोग 1 महीना से बैठे हैं, फिर भी किसी को सुनाई दे रहा। आज 2 तारीख को धरने का ऐलान कर रहा, कोई मंत्री आके मिला हम लोगों से? एक बार कहे कि आप लोग प्रोटेस्ट मत करिए, आप लोगों की नियुक्ति हम दे देंगे, कोई नहीं। जानबूझ के सरकार की मंशा साफ नहीं है, जानबूझ के हम लोग के साथ है। धारा 144 लगाने की बात कर रहा है कानून। आप लोगों को मुख्यमंत्री आवास पे ऐलान किया था, दूसरी तरफ आ गए मुख्यमंत्री आवास तो चली। ये लोग राजनीतिक चोर है तो क्या हम लोग के पास दिमाग नहीं है? हम लोग के पास भी दिमाग है। राजनीतिक चोर जानते हैं किसे कहता है? शिक्षा चुराएगा, रोजगार चुराएंगे ये लोग हम लोग का रोजगार चुराए हैं। रही बात जेल डालने के, 144 लगा के जेल डाल रहे हम लोग को मंजूर है, लेकिन नियुक्ति तो लेके ही रहेंगे हम। नियुक्ति तो लेके रहेंगे। आप कहाँ से आई हैं आप? सर हम मेरठ से आए हैं। मेरठ से आई हैं सर, 500 किलोमीटर दूर से आए हैं और हम यहाँ न्याय मांगने के लिए आए। हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है लेकिन अभी भी ये सरकार भैरी बनी हुई है, सुन नहीं रही है, न्याय कोर्ट तक को कुछ नहीं मानती। आप लोगों को डर कहाँ है? क्योंकि सीएम ने तो कहा है कि लागू किया जाएगा, फिर भी इतनी मतलब आंदोलन हो रहा है, आप लोगों को डर क्यों सता रहा है? क्या नहीं होगा या कोई और मामला है? सर हम इतनी वकीलों की फीस कहाँ से लाए? हम सिंगल बेंच से है ना, कोई लड़के आए डबल बेंच पे, करोड़ों रुपया हमारा वकीलों में चला जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट में हम पिछड़े दलित है, हमारी जगह जनरल को लगा रखा है, अब हम कहाँ से लाएंगे? हम किराया तक के लिए मांग मांग के लाते पैसे, कैसे कैसे करके अरेंज करते हैं। इतनी दूर से आए हैं, 500 किलोमीटर। आज ही आए हैं, कल आ गए थे? हम कल ही आ गए थे, कल ही आ गए थे, कल से यहीं रह रही हैं। आप लोग कहाँ से आई हैं? सर हम अम्बेडकर नगर से आए हैं। जी सर। तो क्या चूँकि अब कोर्ट का फैसला आ गया है, मुख्यमंत्री ने कहा है लागू करेंगे, तो इतनी क्यों डर सता रहा है? आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? डर इस बात का सता रहा है कि अगला वर्ग जो जिसको डर है कि हम निकल जाएंगे भर्ती से, वो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, फिर मैटर 1-2 साल फिर फंसा रहेगा। अब तक तो डबल बेंच में 2.5 साल फंसा था, कितने दिन हम लोग इसी सड़कों पे मार खाते रहेंगे? हम पिछड़े दलित लोगों को बस जीओ जारी करो, नियुक्ति दे दो, यही योगी जी से प्रार्थना है बस, और हम कुछ नहीं चाहते, बस आश्वासन नहीं, लिखित जीओ जारी करिए। हमें लिखित आदेश चाहिए, ये महिला अभ्यर्थियों का कहना है। 69,000 शिक्षक भर्ती को जो आवेदन करता है, जो आरक्षण में घोटाले की बात करते हैं, वो कह रहे हैं। फिलहाल अब बस जो पुलिस की बस आई है उसमें अभ्यर्थियों को यहां से हटाया जा रहा है इको गार्डन से, चूंकि ये सीएम आवास को रास्ता जाता है। फिलहाल इसके पहले केशव प्रसाद मौर्य का आवास पड़ेगा, डिप्टी सीएम है जो कई बार अभ्यर्थियों की समस्या उठाई है, और मुख्यमंत्री आवास घेरने की बात अभ्यर्थियों ने की थी तो दूसरी तरफ रोक दिया गया था। फिलहाल लगातार प्रोटेस्ट जारी है, इनको यहाँ से अभ्यर्थियों को हटाया जा रहा है, पुलिस पर्याप्त मात्रा में बढ़ाई गई है। फिलहाल इनका यही मांग है कि तत्काल नोटिफिकेशन जारी किया जाए, लिखित में आदेश दिया जाए, आश्वासन पे हम नहीं मांगेंगे, क्योंकि उनको डर सता रहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो मामला फिर फंस सकता है, क्योंकि इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद हाई कोर्ट का जो डेवलपमेंट का फैसला आया उसको लागू किया जाए, नहीं तो मामला आधार में लटक जाएगा, क्योंकि 6 साल से हम लोग संघर्ष सड़कों पर कर रहे हैं और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ।